दोस्तों आज के इस वीडियो हम बात करेंगे क्लास टेंथ। दोस्तों क्लास टेंथ का एग्जाम 17 फरवरी से शुरू होने वाला है। तो दोस्तों आप भी क्लास टेंथ का एग्जाम 17 फरवरी से देने वाले हैं, तो हम आपके लिए सभी विषय की 5-5 सीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सभी प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लें, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। दोस्तों यह जो प्रश्न है, यह सोशल साइंस की मॉडल सेट 3 है। इससे पहले आप सभी विषय के मॉडल से 2 तक डाल दिया गया। आप नहीं देखे हैं वीडियो तो नीचे लिंक दिया, वहाँ से जाके सभी विषय के मॉडल से 2 तक डाल दिया गया, वहाँ से देख ले और सभी प्रश्न को आप अच्छे से याद कर ले। तो दोस्तों यह सोशल साइंस के मॉडल से 3 है। तो दोस्तों वीडियो का आखिर तक जरूर देखे। सो नमस्कार, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे हैं एजुकेशन माई गुप्ता जी यूट्यूब चैनल। हो सकता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबा दी, ताकि बिहार बोर्ड से संबंधित न्यूज और साथ ही तैयारी करने के लिए लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे बिल्कुल फ्री। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, ताकि वे भी अच्छे तैयारी कर सके। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न को आप ध्यान से सुने और अच्छे से याद कर ले, ठीक है। तो दोस्तों यह सोशल साइंस के मॉडल से 3 है। दोस्तों यहाँ पे प्रथम सवाल है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। दोस्तों आपको याद करें कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। तो एक का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आपके 2 नंबर। दोस्तों यह सब प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 10 साल क्वेश्चन बैंक में जाके आप मिला के देखिए, यह सभी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर सवाल है, यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजनी ने। दोस्तों आपको याद रखना कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो मेजनी ने की थी। तो 2 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है यहाँ पे 3 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च। दोस्तों आपको ये याद है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 3 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल है 4 नंबर। दोस्तों 4 नंबर सवाल है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने। तो दोस्तों आपको क्या याद रखना है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी, तो लेनिन ने लिखी थी। तो 4 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है यहाँ पे 5 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर सवाल है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1991 में। दोस्तों आपको याद है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, तो इसका राइट आंसर हो गया 1991 में, ठीक है। तो अगला सवाल है यहाँ पे, अगला सवाल है यहाँ पे 6 नंबर, अंकोरा वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोरा वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु। तो दोस्तों आपको ये याद रखें कि अंकोरा वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो विष्णु हिंदू का है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे 7 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो इसका राइट आंसर की बात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों आपको ये याद रखें कि रविंद्रनाथ टैगोर। तो 7 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे 8 नंबर। तो दोस्तों 8 नंबर सवाल है यहाँ पे, पुनः स्वराज की दिवस कब मनाया गया था? पुनः स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1930। दोस्तों आपको याद है कि पुनः स्वराज दिवस कब मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1930, ठीक है। तो 8 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है यहाँ पे 9 नंबर। तो दोस्तों 9 नंबर सवाल है, हीरा कुंड परियोजना है, हीरा कुंड परियोजना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर। दोस्तों आपको याद करें कि हीरा कुंड परियोजना महानदी पर है। तो 9 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है फिर 10 नंबर। तो 10 नंबर सवाल है फिर, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। तो दोस्तों आपको याद है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था, तो पटना में हुआ था। तो 10 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे 11 नंबर। तो दोस्तों
ईस्ट इंडिया कंपनी फारसी अफीम या निर्यात किस देश को करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी फारसी अफीम या का निर्यात किस देश को करती थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका को। दोस्तों आपको याद करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी फारसी अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो अमेरिका को। 11 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है अभी 12 नंबर। तो दोस्तों 12 नंबर सवाल है, रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। दोस्तों आपको याद करें फ्रांस, ठीक है। तो 12 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है अभी 13 नंबर। तो दोस्तों 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन नवकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में कौन नवकरणीय संसाधन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल। तो दोस्तों आपको याद करें कि नवकरणीय संसाधन जल है, तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है अभी 14 नंबर। तो दोस्तों 14 नंबर सवाल है, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? जामनगर तेल शोधक कारखाना किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। तो दोस्तों आपको याद रखें कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल है 15 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर सवाल है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है? तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। दोस्तों आपको याद है कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। तो 15 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल है 16 नंबर। तो दोस्तों 16 नंबर सवाल है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉकहोम। तो दोस्तों आपको याद करें कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था। तो 16 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है अभी 17 नंबर। दोस्तों सभी प्रश्न को बार बार हम कह रहे हैं कि आप अच्छे से याद करें, क्योंकि यह सब प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पे 17 नंबर सवाल है, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रियो डियो जेन रियो। दोस्तों आपको याद करें कि रियो डियो जेन रियो, ठीक है। तो अगला सवाल है अभी 18 नंबर। तो दोस्तों 18 नंबर सवाल है, भारत में कोयले का सौ प्रमुख उत्पादक राज्य है? भारत में कोयले का सौ प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। दोस्तों आपको याद करें झारखंड, ठीक है। अगला सवाल है पे 19 नंबर। तो दोस्तों 19 नंबर सवाल है, भारत में सौ प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है? भारत में सौ प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपको याद रखें कि भारत में सौ प्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो अगला सवाल है अभी 20 नंबर। तो दोस्तों 20 नंबर सवाल है, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1923 में। दोस्तों आपको याद रखें कि भारत में पहला रेडियो प्रसारण किस वर्ष हुआ? तो 1923 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है अभी 21 नंबर। तो दोस्तों 21 नंबर सवाल है, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई? भारत में हरित क्रांति शुरू हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1966 में। तो दोस्तों आपको याद रखें कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई 1966 में, ठीक है। अगला सवाल है अभी 22 नंबर। दोस्तों 22 नंबर सवाल है, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है? सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खपास। दोस्तों आपको याद करेंगे सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है खपास। तो 22 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है अभी 23 नंबर। तो दोस्तों 23 नंबर सवाल है, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे कानपुर। तो दोस्तों आपको याद रखें कि रेशमी उद्योग
आपको याद रखना है कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है कानपुर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है पी 24 नंबर। तो दोस्तों 24 नंबर सवाल है उर्वरक कारखाना अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बरौनी में। दोस्तों आपको याद रखना है कि उर्वरक कारखाना अवस्थित है बरौनी में, ठीक है। तो 24 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है पी 25 नंबर। तो दोस्तों 25 नंबर सवाल है रंग भेद की नीति के विरोध आवाज किसने उठाई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्टिन लूथर किंग ने। दोस्तों आपको याद रखना है कि रंग भेद की नीति के विरोध आवाज किसने उठाई थी, तो मार्टिन लूथर किंग ने, ठीक है। तो 25 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है पी 26 नंबर। तो दोस्तों 26 नंबर सवाल है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक। दोस्तों आपको याद रखें कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को कहा जाता है सांप्रदायिक, ठीक है। तो 26 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है पी 27 नंबर। दोस्तों 27 नंबर सवाल है भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1990 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था, तो 1990 ईस्वी में। दोस्तों आप लोगों का एग्जाम का भी बहुत कम समय बच गया है, तो आप अच्छे से याद तैयारी कर ले और अच्छे से याद कर ले ताकि आप एग्जाम में अच्छे से मार्क्स ला सके। तो दोस्तों यहाँ पे 28 नंबर सवाल है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1949। दोस्तों आपको याद है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो 1949 में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है 29 नंबर। तो दोस्तों 29 नंबर सवाल है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 जून 2014 में। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो 2 जून 2014 में, ठीक है। अगला सवाल है पी 30 नंबर। तो दोस्तों 30 नंबर सवाल है चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो उत्तराखंड से, ठीक है। अगला सवाल है आप 31 नंबर। दोस्तों 31 नंबर सवाल है आप लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक दल। तो दोस्तों आपको याद रखें कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो राजनीतिक दल को कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है 32 नंबर। तो दोस्तों 32 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों आपको वहाँ पे सवाल था निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है, तो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, ठीक है। अगला सवाल है आप 33 नंबर। तो दोस्तों 33 नंबर सवाल है भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया है जातिवाद, ऑप्शन बी है आतंकवाद और ऑप्शन सी है परिवारवाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो दोस्तों आपको याद करें कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल है यहाँ पे 34 नंबर। तो दोस्तों 34 नंबर सवाल है किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता की द्वारा तथा जनता के शासन है। किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता की द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अब्राहम लिंकन ने। तो दोस्तों आपको याद करेंगे अब्राहम लिंकन ने। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है पी 35 नंबर। तो दोस्तों 35 नंबर सवाल है निम्नांकित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज। दोस्तों आपको याद रखना है कि निम्नांकित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, तो पंचायती राज। तो 35 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है पी
36 नंबर। तो दोस्तों 36 नंबर सवाल है, भारत की योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, भारत की योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। दोस्तों आपको याद रखना कि भारत की योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रधानमंत्री। तो 36 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है आप 37 नंबर। तो दोस्तों 37 नंबर सवाल है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1991 ईस्वी में। दोस्तों आपको याद करें कि बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, 1991 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल है 38 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे 38 नंबर सवाल है, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवहर। दोस्तों आपको याद करें कि बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है, तो शिवहर की है। ठीक है, अगला सवाल है 39 नंबर। तो दोस्तों 39 नंबर सवाल है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही यह कथन किसका है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही यह कथन किसका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्शल को यह कथन है। ठीक है, तो 39 का सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 40 नंबर। तो दोस्तों यह सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 40 नंबर सवाल है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाका। दोस्तों आपको याद है कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, तो टाका नाम है। ठीक है, अगला सवाल है 41 नंबर। तो 41 नंबर सवाल, भारत में स्वायत्तता आंदोलन का आरंभ कब हुआ, भारत में स्वायत्तता आंदोलन का आरंभ कब हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1904 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको याद है कि भारत में स्वायत्तता आंदोलन का आरंभ कब हुआ, तो 1904 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अगला सवाल है 42 नंबर। तो 42 नंबर सवाल है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25। तो दोस्तों आपको याद है कि भारत में कितने राष्ट्रीय कितनी बैंक है, तो 25 है। तो 42 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है 43 नंबर। तो दोस्तों 43 नंबर सवाल है, भारत मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोटी कपड़ा और मकान। दोस्तों आपको याद रखेंगे मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, तो रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, अगला सवाल है 44 नंबर। तो दोस्तों 44 नंबर सवाल है, इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है, इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैन्य सेवा। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है सैन्य सेवा। ठीक है, अगला सवाल है 45 नंबर। तो 45 नंबर सवाल है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 में। दोस्तों आपको याद करें कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया, तो 2005 में। ठीक है, अगला सवाल है 46 नंबर। तो 46 नंबर सवाल है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापानी। तो दोस्तों आपको याद करें कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो जापानी से लिया गया है। ठीक है, अगला सवाल है 47 नंबर। तो 47 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप। दोस्तों भूकंप प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, अगला सवाल है 48 नंबर। तो दोस्तों 48 नंबर सवाल है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रारेड कैमरा। दोस्तों आपको यह कहेंगे मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो इंफ्रारेड कैमरा। तो 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपसे एग्जाम में किस प्रकार सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है, प्रथम सवाल है यहाँ पे, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो दोस्तों यह सवाल 2 नंबर का है, तो आप अच्छे से याद करें। यहाँ पे 2 नंबर का भी यह सवाल है, 2 नंबर, खूनी रविवार क्या है। तो दोस्तों यह भी सवाल आप याद करें, इसी प्रकार आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। यहाँ पे है 3रा नंबर, गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा है। तो यह सवाल, इस सब आपको लिखना होगा, और यह 2-2 नंबर का शब्द है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करें, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोजाना के वीडियो मिलता रहे बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, आप सभी का दिन शुभ हो।